अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हो सब? तो वेलकम हो गया आप लोग का न्यूट्रल पॉस्ट में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम रिएक्शन वीडियो करने लगे हैं क्लैन हैदर के ऊपर। तो जी उमर भाई, करें स्टार्ट? जी जी, करें स्टार्ट। तो फिर हम करते हैं स्टार्ट। डन विद फर्स्ट सेट, डन विद फर्स्ट इफ्तारी। 29 रोजे रह गए और पता भी नहीं चला। यार ये यार, इस तरह के स्टेटस होते हैं। पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बस इफ्तार पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। रोजा रखा है? कहाँ रखा है? फ्रिज में। रोजा लग रहा है? कहाँ लग रहा है? ओए रमजान आ गए, तू कैद नहीं हुआ? आज मेरा ना रिश्ता आया था, तो वो जो लड़का था ना, उसमें मुझे आपकी झलक नजर आई, तो मैंने हाँ कर दी। जान पापा ने मुझे अपनी कसम दे दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जान मैं सो रही थी, पुप्पो रिंग पहना कर चले गई। कल ना मैं अपने कजन की एंगेजमेंट पे गई, तो स्टेज पे जाके स्लिप होके गिर गई और अंगूठी मेरी उंगली में आ गई। जान पुप्पो ने ना रिंग सलाद के अंदर रखी हुई थी, तो मैं सलाद अपनी प्लेट के अंदर डाल दी, तो रिंग मेरी उंगली में आ गई। जान कल ना मैं मेहंदी लगवाने गई, तो मेहंदी वाले ने आपके नाम काजी की जगह मेरे कजन का नाम गाजी लिख दिया। जान मैंने ना हम दोनों का इस्तखारा करवाया था, लेकिन वो ठीक नहीं आया। लगता है हम दोनों एक दूसरे ये बने ही नहीं। जान मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर वालों ने मेरा बचपन में मेरे कजन के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। जान मेरे घर वालों ने मुझे आज बताया कि मेरा तो बचपन में निकाह हो गया था मेरे कजन के साथ। मेरे ना दिल में सोचा, डॉक्टर्स कह रहे मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, तुम ना किसी और से शादी कर। मुझे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे। डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे किडनी में हार्ट अटैक हुआ है और मैं 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। दादी हॉस्पिटल में थी, अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जाते जाते मेरा हाथ मेरे कजन के हाथ में दे गई। तुम दोनों आज साथ साथ क्यों नहीं बैठे? ब्रेकअप तो नहीं हो गया कहीं तुम दोनों का? स्टूडेंट क्लास में जिसका जो भी क्रश है वो उसके साथ जाके बैठ जाए। यार कभी बंक भी मार के क्लास लेने आ जाते हो? यार कभी अपनी होमवर्क, इतनी किताबें चेक करनी पड़ती हैं, क्या करोगे यार तुम लोग इतना पढ़ के? यार तुम लोग बारिश में भी स्कूल आ गए हो। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये असल में मुझे समझाना नहीं आ रहा, तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इसका रट्टा मार लो। ये वाला जो टॉपिक है ना, मैंने खुद भी चॉइस में छोड़ दिया था, तो तुम लोग भी चॉइस में छोड़ो। ये एक्स की वैल्यू फाइंड करो, ये a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करो, ये जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा, कहीं भी यूज नहीं होगा। स्टूडेंट्स आज मेरा पढ़ाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ये ब्रेक कितने बजे होनी है किसी को पता है? यार ये पीरियड कितने बजे ऑफ होगा? जिसको भी क्लास में भूख लग रही है वो क्लास में लंच कर सकता है, लेकिन साथ में मुझे भी करवाए। तुम ना कल अपने लंच में पिज्जा लेकर आना, ठीक है? तुम क्लास में बैठ के बबल खा रहे हो, और है तो फिर मुझे भी दो। ऐसे टीचर बस यार, अब लाइफ में सीरियस होना ही क्या? मैं हर वक्त मोबाइल यूज करता रहता हूँ। पढ़ना है, लिखना है, फ्यूचर बनाना है, अपना कैरियर सेट करना है, ये मोबाइल अब कम से कम यूज करना है। आज शाम 7 बजे पढ़ने बैठूंगा और 4-5 घंटे पढ़ूंगा, और कल जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा दूंगा। चलो यार अब मैं पढ़ लूं, कल सुबह टेस्ट भी है, दूसरे चैप्टर से शुरू करता हूँ। हाँ दूसरे से। टाइम क्या हो गया है? 7:05 हो गए हैं। ओहो अब मैं पूरे 8 बजे ही पढ़ना चाहिए। सारे टेस्ट है, जीरो नंबर आए ना, तू मेनू कर अगर ये दोबारा बदतमीजी करे ना आपके साथ, आप मेरा नंबर लिखे। आपने बस मुझे कॉल करनी है, आपको मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, जितना मर्जी मारे इसे, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। गोश्त आपका, हड्डियां हमारी, आप इसको मार मार के इसकी खाल उतार दे। आप इसे घर के लिए काम क्यों नहीं देती? सारा दिन तो ये मोबाइल पे लगी रहती है। नहीं नहीं, सबसे पहले तो अब घर जाकर मैं इसका मोबाइल लेती हूँ। नहीं नहीं, आप सुने मेरी बात, कल मैं आपको लाकर दूंगी गैस का पाइप, वो मैं आपको लाकर दूंगी, आपने उसके साथ इसकी फेंडी लगानी है। मैं उन हर महीने आया करूंगी अंदर रिपोर्ट लेने। आप इसकी छुट्टी बंद कर दिया कर, इसको स्कूल में ही रखा करे। तू घर चल, मैं तेन दसनी है। अच्छा क्लास में पढ़ता नहीं है, शरारत तू क्लास ही शरारत कर, मार देगी हम तू। डॉक्टर साहब, जब मेरा क्लाइंट अल्लाह की कसम खा के कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की, तो नहीं की ना। आपको अल्लाह की कसम पे यकीन नहीं? योर ऑनर, ये बंदा तो मुझे शक्ल से ही चोर लग रहा है। योर ऑनर ये देखिए, ये हंस रहा है, मतलब चोरी इसी ने की है। डॉक्टर साहब ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये देखें स्क्रीनशॉट। योर ऑनर रात गई बात गई, मिट्टी पाओ यार। योर ऑनर आप तो वहाँ थे ही नहीं, आपको कैसे पता? आप चुप रहे, हम वहाँ थे, हमें पता है। छोड़े जज साहब, आप नहीं समझेंगे। योर ऑनर ये इतना क्यूट है, ये कैसे किसी का कत्ल कर सकता है? योर ऑनर ये इतना प्यारा है, इसको प्लीज सजा ना दें। योर ऑनर दुनिया होता है, चलता है,
चिल करो यार। योर ओनर मैं तो कहता हूँ भुग लेते हैं, जो एंड पर बचा वो ही चोर होगा। जैसा मैंने अपने क्लाइंट से सारे पैसे ले लिए हैं, मेरी तरफ से उसको फांसी दो, जेल में डालो, जो मर्जी करो, बस मैंने अब ये और केस लड़ना ही नहीं है यार। तुम लोग जज साहब आपकी इस बात ने ना मेरा सारा मूड खराब कर दिया। जज साहब जल्दी फैसला सुनाओ, मैंने बाथरूम भी जाना है। योर ओनर आज मेरा बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं है, केस की डेट आगे कर दो। जज साहब जल्दी जल्दी में मैं सबूत घर ही बुलाया। योर ओनर ये आपको चूतिया बना रहा है और आप बन रहे हो यार। स्टूडेंट्स आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देना है सबने। आपने बताना है अपना नाम और साथ में ये बताना है कि आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं। सर मेरा नाम वलीद है और मैं बांसुरी बजाना चाहता हूँ। आर्टिस्ट बनना चाहते हो? अच्छा अब तुम बताओ। सर मेरा नाम शहरी है और मैं भी बांसुरी बजाना चाहता हूँ। लगता है काफी स्कोप है इसका आज का। अब आप बताएं। सर मेरा नाम बांसुरी है। एक बांसुरी बन रहा है, एक बांसुरी बन जा रहा है। जबरदस्त यार। हाय हाय क्रिकेट से तो कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता ऐसे। मामा आज ना मेरी यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लासेस हैं तो ना मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ जी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं मेरी। ओके बाय। हेलो बेबी। हाँ मैंने तो घर वालों को कह दिया कि आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं लेट आऊंगा। तुम्हें भी मिल गई इजाजत? बस ठीक है आ जाओ यूनिवर्सिटी, मैं भी आ रहा हूँ। मामा आज ना मेरी यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लासेस हैं तो मैं ना लेट आऊंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ मुझे तो घर से इजाजत मिल गई है। घर पर कोई भी नहीं है तो फिर घर पर ही सीन ऑन कर लेते हैं। हाँ मैं बस शूटर आ रहा हूँ घर। ओके सारी तैयारियां करके रखना, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्रिकेट तो ये तो हम है। ये तो हम है यार, सही बात है। मच्योर होना है यार। अब ये फजूल में छोटे बच्चों वाली हरकतें नहीं अब मैंने करनी। यूनिवर्सिटी लेवल में मैं आ गई हूँ, क्या अभी भी ये स्कूल के कॉलेज के बच्चों जैसी हरकतें ना अब ना तो मैंने करनी है और ना मेरे पे अफसोस है। ये मेरी स्ट्रीक्स ओपन करके नहीं देखती, अब मैं भी इसकी स्ट्रीक्स शीशे वाली साइड पे मैं बैठूंगी वरना मैंने नहीं आना। इसने मुझे बर्थडे विश नहीं था ना किया, अब मैं भी इसको बर्थडे विश नहीं। ये बर्थडे वाली चीज लड़कियों में मैंने बहुत ज्यादा देखी है यार। मैंने तो अगले सेमेस्टर में आग लगा दी थी, लेकिन ये हुकूमत ने पेट्रोल ही बड़ा महंगा कर दिया। लेकिन एक फायदा हो गया, अगर फूफो ने आग लगानी होगी तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। टीचर आपकी शादी होगी हुई है? ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी देर होगी शादी को आपकी? ओह नाइस नाइस नाइस। तो टीचर आपका कोई बेबी है? सर आपने कल पाकिस्तान का मैच देखा? वो कैच हो जाता ना सर जी, वो कैच हो जाता। वो केमिस्ट्री वाला याद आ गया। सर आप पीडीआई के सपोर्टर है या नून लीग के? आप पीडीआई के सपोर्टर है? सर जी मैं भी पीडीआई का सपोर्टर हूँ, ये नून लीग का सपोर्टर है सर जी। सर जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे मास्टर करने का कोई फायदा है? टीचर आज आप बहुत प्यारी लग रही है, ये सूट आपका बड़ा प्यारा है, कहाँ से लिया आपने? अच्छा 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 अच्छा। और नहीं सर हमने जी जाना था, उनके पीछे प्लेयर ही नहीं थे कोई, हमने जी जाना था। और वैसे भी सर इनको चाहिए टीम में वो इमाद वसीम को रखे, इमाद वसीम को निकला रही है। सर जी आपने तो पीएचडी यूके से की है ना, आपने पहली क्लास में बताया था आपने बाहर से। हाँ तो सर वो बाहर से अगर मास्टर करना हो तो कैसा एक्सपीरियंस है बाहर से, अगर यूके से अगर हमने आगे इसमें मास्टर करना हो? सर जी नो लीग वालों ने हमारे हल्के में एक भी काम नहीं कराया। टीचर कल मैंने आपको मार्केट में देखा था। हाँ कल मैं ना अपनी मामा के साथ मार्केट गई हुई थी तो वहाँ मैंने आपको देखा। सर एक्सक्यूज मी सर, सर सर अजान हो रही है, सर अजान हो रही है, आ रही है आवाज सर एक मिनट देखिए, ये देखे आ रही है ना, अजान हो रही है। झलकती आंख में एक नशा है। हमें तो अपनों ने लूटा, अपनों ने इतना लूट लिया कि गैरों की तो बारी नहीं आई। मामा यार, अबे यार ना कर यार, मान ले यार, मर्जी है यार, तेरे मजे है यार, क्या मसला है यार, अजीब यार।
तुम्हारी उम्र में ना मैं पैदल 50 किलोमीटर चल के स्कूल जाता था बेटा। मैं सोच रहा था ये दीवार तोड़ के ना कमरा थोड़ा खुला कर लेते हैं। पेन लेकर आओ, पेन, एक पेज और पेन लेकर आओ। बाहर कोई भी आए ना मेरा पूछे तो कह देना अबू घर पर नहीं है। बेटा अभी तुमने दुनिया नहीं देखी, तुम लोग सारे अपनी माँ पे गए हो। तुम लोगों की माँ ने ना तुम लोगों को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। ओए बंदे ते पुत्र बनो, ओए खोते दिया पुत्रा, अपनी माँ से पूछ लो, अगर वो इजाजत देती है तो चले जाना। बेटा CSS कर लो। ओए तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? ओए तेरी डिग्री पूरी होने में कितना टाइम रह गया है? कभी दो लफ्ज पढ़ भी लिया करो, ऊंची बोलो और ऊंची बोलो, पूरे मल्ले को सुनाओ। जब तुम्हारी औलाद होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा बिजली का बिल तेरा बाप देगा। जब कमरे से बाहर आ जाते हो ना तो उस कमरे की लाइटें बंद करके बाहर आया करो। अपनी ना ये सोने की रूटीन ठीक करो। तुम्हें तो मैंने मोबाइल दिला के ना दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। जब खुद कमाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। पैसे तो है दरख्तों पे लगे होते हैं, मैं तो दरख्तों से पैसे तोड़ के ले आता हूँ। बेटा ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसको संभाल के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि काम करो इसकी 20 फोटोकॉपियां करवा। घर आते हुए ना चॉकलेट्स, कोकोमो, सलंटी और सिरिलैक लेते आना, ठीक है? याद से लेकर आना वरना करना। आज मैं आपका मेकअप करूं, मैं आपकी वैक्स करूं, आइसक्रीम खाने चले, लॉन्ग ड्राइव पे चले, बच्चे सो गए यहाँ पे पिज्जा ऑर्डर करें, चले मेरी तारीफ करें, मैंने आपको हक करना है, शुक्र करें आपको मुझ जैसी बीवी मिली है। आप फारिग बैठे हुए हैं जाके बर्तन ही धो दें। आज आप मुझे एक कप चाय तो बना के पिला दें। आज बर्तन मैंने धोए हैं, आपका लाभ की बारी है। आज झाड़ू आप लगा दें, कल पक्का मैं लगाऊंगी, आज आप लगा दें। आज हम दोनों के कपड़े आप इस्त्री कर दो। आज ऑफिस ना जाओ ना, ऑफिस पहुंच के मुझे फोन करना और फोन करके आई लव यू और आई मिस यू बोलना, ठीक है ना? जाओ इधर आए ना, पिक्चर्स लेते हैं। आप भी आज ब्लैक पहनो ना, ट्विनिंग करते हैं। मैं आपसे नाराज हूँ, मुझे मनाओ। आप हर वक्त इतना सीरियस क्यों रहते हैं? आज मेरा खाना पकाने का बिल्कुल दिल नहीं करा, कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं। खाना मैं पकाया करूंगी और आप बर्तन धोया करूंगी, ठीक है? यार आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आज मैंने शॉपिंग पे जाना है, घर जल्दी आना। अभी मुझे कोई काम ना कहना, अभी मैं ड्रामा देख रही हूँ। रोज जब आप ऑफिस से घर आते हैं ना तो मेरे लिए फूल लाया करें। आज जब आप घर आएंगे तो मेरे लिए यहाँ से गजरे लाना, वरना आज घर ना आना। ये लास्ट वाला था काफी ज्यादा, आप रिलेट कर पा रहे थे? नो कमेंट्स, वंडर करें। काफी रिलेटेबल कंटेंट था यार इनका, मुझे तो मजा आया। आपने उमर भाई के एक्सप्रेशन से तो आपने देख ही लिया होगा कि लास्ट वाले से तो कुछ ज्यादा ही रिलेट कर रहे थे। बहुत बहुत अच्छा कंटेंट था इनका और काफी अच्छी कॉमेडी थी, बड़ा मजा आया देख के। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक भी होगा, तो आप इनको लाइक करें, फॉलो करें और न्यूट्रल बोर्ड्स को भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाया करें। तो बोर्ड्स आर्मी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।